गाजीपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन 100 से ऊपर ही मरीज मिल रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बृहस्पतिवार की देर शाम आई रिपोर्ट में 155 कोरोना संक्रमित मिले, वहीं 114 मरीज स्वस्थ हुए। गाजीपुर जनपद में अब सक्रिय कोरोना मरीजों का आंकड़ा 679 पहुँच गया है। वहीं 16,248 किशोरों को टीका लगा। अब तक 2,04,669 किशोरों को वैक्सीन का प्रथम डोज लग चुका है। वहीं 18 वर्ष से 60 वर्ष के 14,163 को प्रथम डोज और 45,909 ने दूसरा डोज लगवाया, जबकि 2,109 को बूस्टर डोज लगा। कोरोना की तीसरी लहर में बढ़ते संक्रमण से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बावजूद कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर बाजारों एवं सार्वजनिक स्थलों पर एहतियात एवं सतर्कता बरतते लोग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। यही नहीं, चेहरों पर मास्क भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां ही उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलाव की संभावना बनी हुई है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम अब उन संदिग्धों की सूची तैयार करने में जुटी हुई है जो कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आए हैं, जिससे संक्रमण दर को कम किया जा सके। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।